हेलो गाइस, तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए गैंगटॉक का वेदर दिखाने। तो मैं यहाँ पे आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ गैंगटॉक और घूमने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं घूमा, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना, यहाँ का वेदर बहुत ही ख़राब चल रहा है। बहुत ही मौसम यहाँ का बहुत ही ख़राब चल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म ऐसे ही चल रहा है, और कभी बारिश हो जाती है। तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा घूमी नहीं। लेकिन यहाँ का एक जगह है यहाँ पर एमजी रोड, अगर आप लोगों को पता होगा तो वहाँ पे मैं गई थी, बट वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई। थोड़ा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे शॉपिंग किया, और इसी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हम वापस आ गए थे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ का वेदर दिखाने वाली हूँ, कि मेरे घर से कैसा व्यू दिखता है, कैसा यहाँ का जो भी एरिया है वो यहाँ पे कैसे दिखता है, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको गैंगटॉक का व्यू दिखाते हैं। आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कि अभी कैसा है और थोड़ी देर बाद कैसा होगा। तो मैं आप लोग को कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, जो सामने में देख सकते हैं पूरा विजिबल है। ये घर भी दिख रहे हैं आपको, ये सब पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं, और ये भी देख सकते हैं, और सामने भी आपको देख सकते हैं रोड वगैरह है, गाड़ियाँ जाती आती हुई दिख रही हैं, अगर आप देख सकते हैं। ये देखिए जो ये जो थोड़ा सा दिख रहा है, ये पूरा ये रोड है, इधर से एमजी रोड जाते हैं, और ये देखिए पूरा घर दिख रहा है। और इधर भी आप देख सकते हैं सामने में ये घर दिख रहा है, लेकिन जब क्लाउड आएगा ना तो पूरा घर छुप जाएगा इन क्लाउड के बीच में। जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही इस सामने में दिखने लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि यहाँ का मौसम फिर कैसा हो जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि यहाँ का मौसम कैसे पल भर में चेंज होता है। से बाहर का व्यू ये देख सकते हैं, जो अभी ये दिख रहा है ना घर, ये भी थोड़ी देर में विजिबिलिटी बंद हो जाएगी इसकी। जैसे ये देख सकते हैं क्लाउड है, धीरे धीरे क्लाउड आता जाता है और पूरा इसको कवर कर लेगा। तो ये है गैंगटॉक का मौसम, और ये देख सकते हैं उधर ना पूरा घर दिखता है। अभी थोड़ी देर बाद ये पूरा साफ़ हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा हो रहा है। और ये देख सकते हैं दूर दूर तक, मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ, छोटे छोटे घर दिखेंगे आपको अगर दिख रहा हो तो। इसमें अभी तो क्लाउड आ रहा है तो ये विजिबिलिटी बंद हो गई है, बाकी मेरे घर से पूरा दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से करेंगे ये, देखिए देख सकते हैं पूरा क्लाउड भरा हुआ है, ये देखिए। अब धीरे धीरे क्लाउड खत्म हो रहा है, मैं आपको सामने वाला घर दिखाती हूँ। देख सकते हैं छोटी छोटी, देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ये देख सकते हैं। इतना मैंने जूम करके दिखाया आपको, ये है गैंगटॉक का मौसम। यहाँ पे दिन भर में ऐसा ही होता है, और ये देख सकते हैं रोड पे आपको इतने लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे घर बने होते हैं। ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का है ये, अरे देख सकते हैं ये ऊपर मैं दिख रहा है ना कि मैं बहुत ऊपर हूँ, लेकिन मैं अगर बाहर से दिखाऊँ तो मैं रोड पे मेरा घर है। तो यहाँ पे ऐसे ही घर है पूरा, देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी ना क्लाउड पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो देखिएगा इसका विजिबिलिटी। मौसम कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा यहाँ पे होता है। धूप कल आया और उसके बाद थोड़ी देर में चला गया था। ये है गैंगटॉक का व्यू प्रॉपर। यहाँ पे ठंड बोल के तो थोड़ा सा ठंड है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। और उस साइड में ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो मुझे दिखता है जब ये क्लाउड नहीं रहता है, तो अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि क्लाउड ऊपर की तरफ जा रहा है पूरा। मैं अभी तक ऊपर नहीं गई हूँ, बिकॉज ये जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, जब से ये क्लाउड ख़त्म नहीं हो रहा। क्लाउड जब होता है ना तो बारिश भी होती है, तो अभी बारिश का मौसम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर क्लाउड नहीं आया है, और जब प्रॉपर क्लाउड आता है ना तो बारिश हो जाती है। और वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा चल रही है यहाँ पर, और गैंगटॉक का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको स्वेटर ज़रूर पहनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है यहाँ पर।
तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी उधर का व्यू। देखिए धीरे धीरे क्लाउड हट रहा है, तो एक बार क्लाउड हट जाए फिर मैं दिखाऊंगी आपको बाहर का व्यू। तो यहाँ पे देखिए जो सामने वाला घर है अब थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगा, देख सकते हैं सामने देखिए कितना सारा घर है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो। और इधर से देखिए कितना सारा क्लाउड आ रहा है, और देखिए इधर सामने भी विजिबिलिटी दिखने लगी, सामने में घर दिख रहा है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं घर। और देखिए कितना ज़्यादा क्लाउड है, क्लाउड कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए तो यहाँ का मौसम ऐसा ही चलता रहता है, और कभी धूप होगा ना तो ये पूरा क्लाउड हट जाता है। तो आज तो यहाँ पे धूप नहीं आया है क्योंकि मौसम यहाँ का ख़राब है, और कुछ जगह पे तो लैंडस्लाइड भी हुआ है, और लैंडस्लाइड होता है तो कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। आज हम भी सोच रहे थे कोलकाता जाने के लिए, लेकिन हम इसी रीज़न की वजह से आज हम नहीं जा पाएंगे, और आज हम यहीं पे रहेंगे गैंगटॉक में, क्योंकि लैंडस्लाइड होने से रास्ते थोड़ी बंद हो जाते हैं और काफ़ी टाइम लगता है फिर उस रास्ते से निकलने में। तो ये देखिए जो चीज़ जो घर अभी आपको मैंने दिखाया था सामने में, यहाँ पे मैंने जो घर दिखाया था और इस साइड में जो घर दिखाया था, उसकी विजिबिलिटी बंद होने लगी। घर है और सामने रोड है तो इसकी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं बंद होने लगी। तो यहाँ पे ऐसा ही मौसम चलता रहता है, और मेरे लिए तो ये सब कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैं ऐसी जगहों पे अभी कभी गई नहीं हूँ, और ये मेरा फर्स्ट विजिट है गैंगटॉक में। मैंने सोचा था सबसे पहले मैं मनाली जाऊँगी उसके बाद कहीं और जाऊँगी, बट मेरा सबसे पहले गैंगटॉक में रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए घर दिख रहा है, छोटे छोटे घर आपको दिखेंगे। देखिए मैं इतना विजिबल जूम करके दिखा रही हूँ, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो। और यहाँ पे तो आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, घर दिखेंगे, लोग नहीं दिखेंगे। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है और आपको क्राउड भी बहुत कम दिखेगा। और यहाँ पे एक MG रोड है जो कि बहुत फेमस है उस साइड में है, तो हम लोग गाड़ी से गए थे एक दिन, बट मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। ये देख सकते हैं फिर से क्लाउड आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैं जो आँखों से देख पा रही हूँ वह मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि कैमरे पर हर चीज़ विजिबल अच्छे से दिखता नहीं है। लेकिन देखिए धीरे धीरे पूरा क्लाउड आ रहा है, और जब क्लाउड आता है ना तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे घर के आसपास जो घर दिख रहा है ये भी विजिबल नहीं होता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कभी, ये भी विजिबल नहीं होता, ये भी एकदम ढक जाता है क्लाउड से, तो कुछ भी दिखता नहीं है, पूरा क्लाउड क्लाउड हो जाता है। ये कुछ भी नहीं दिखता, ना कार दिखेगा, ना घर दिखेगा, ना स्कूटी दिखेगा, ना लोग दिखेंगे, इतना क्लाउड आ जाता है। और अभी बारिश नहीं हुआ है, वैसे 3 दिन से लगातार बारिश हुआ था और आज बारिश नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे ना कपड़े डालने का बड़ी प्रॉब्लम है, इन लोगों ने कपड़े डाले हैं लेकिन मैंने तो कपड़े अपने घर में ही डाल रखे हैं। तो ये है गैंगटॉक, इस साइड में देखेंगे तो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए जो चीज़ मैं आपको सामने दिखा रही थी वो पूरा क्लाउड से ढक गया, देख सकते हैं कितना भी आप जूम कर लीजिए कुछ भी नहीं दिखेगा। इधर भी देखिए जो आपको घर दिख रहे थे वो भी धीरे धीरे क्लाउड से ढक रहे हैं। देखा आपने कैसे यहाँ का पल भर का मौसम चेंज होता है, और कितना जल्दी जल्दी क्लाउड यहाँ पे आता है और कितना जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है, और ऐसे ही बारिश भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इस वजह से मैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ गैंगटॉक को, और सिर्फ मैं एक जगह गई, उस दिन मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो अगर मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो ज़रूर आप लोग को वीडियो दिखाऊँगी। और फिलहाल तो मेरा अभी गैंगटॉक से कोलकाता जाने का प्लान बन रहा है,
तो देखते हैं कि मौसम क्लियर होता है, आई मीन वेदर यहाँ का सही होता है तो हम जा पाते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, लेकिन घूमने का कुछ असर लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कुछ दिन से। और अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि अभी वेदर कैसा हो गया था, अभी देखिए दोबारा वेदर पूरा क्लीन हो रहा है। देखिए मैं आप लोगों को कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है और जो भी घर विजिबल नहीं हो रहे थे अब अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ का मौसम ऐसे ही चेंज होता रहता है, धूप बहुत ही कम आता है। और मैं जब आई थी ना तो स्टार्टिंग में धूप था, लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं जा नहीं पाई। और अब मैं जाना चाहती हूँ घूमने, तो यहाँ का वेदर भी अच्छा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगी एक ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।